ये जातक कहानी का नाम है स्वर्ण कारकटक जातक। क्या है? स्वर्ण कारकटक। स्वर्ण मतलब सोने का रंग का, कारकटक मतलब कौन है, कोकड़ा का नाम है। संस्कृत में कारकटक कहता है ना, कोकड़ा। स्वर्ण कोकड़ा के बारे में तथागत भगवान बुद्ध जी बेल वन आश्रम में रहते समय बहुत सारे बंते लोग आनंद बांते जी के बारे में बात कर रहे थे। ये देखिए आनंद बांते जी सुंदर भी बहुत है, भगवान बुद्ध को इतना प्यार करता है, अपना जान से भी ज्यादा प्यार करता है। एक बार धनपाल यानी कि नालागिरी हाथी तथागत को मारने के लिए दूर से आते समय अपना जान को प्यार नहीं किया आनंद बांते जी, सीधा भगवान के सामने गया, हमारा हमको मार दो लेकिन तथागत को बचना है। भगवान बुद्ध जी हाथ से आनंद ही तथागत का काम है, तुम पीछे आओ। द्वार आनंद बांते जी, नहीं नहीं हम नहीं देख सकता है, हाथ ही आ रहा है दारू पी के, पक्का आपको हानि करेगा, हम नहीं दे सकता है। फिर आगे गए, द्वार भगवान बुद्ध जी हाथ से पीछे किया, फिर नालागिरी बगल में, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मेरे आंखों के सामने भगवान बुद्ध कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुरंत भगवान बुद्ध सामने फिर गया, फिर उतना देर में नालागिरी बगल में आ गया तो भगवान बुद्ध धरती घुमाया। धरती घुमाने के बाद आनंद बांते जी पीछे हो गया, भगवान बुद्ध जी आगे। लेकिन भगवान बुद्ध जी मैत्री किया, हाथी को मैत्री करके हाथी रुक गया। फिर भगवान बुद्ध साथ बहुत प्यारा हो गया, माफी मांग लिया हाथी। तो ऐसा अपना जान से भी ज्यादा भगवान बुद्ध को रक्षा किया है। भगवान बुद्ध जी बांते लोगों का बात सुन रहा था, आया, आप तो क्या बात कर रहे थे भगवान आनंद बांते जी के बारे में, कमाल है आनंद बांते जी, उनका दिल में आपके प्रति जो प्यार है वो प्यार हमारे दिल में नहीं है। जो एक गुरु के प्रति शिष्य के दिल में होने वाले प्यार आनंद बांते जी के पास है, मैंने देखा, हम लोगों ने देखा। भगवान बुद्ध बताया ये प्यार आज नहीं पहले भी था। ऐसे इसका बांते लोग बताए, वो कैसे हमें बताइए? तो ये बताया, राजगीर में सालिंद्य नाम का एक गांव है, उस गांव में भगवान बुद्ध जी उसी जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। कौन सा गांव में? नहीं, पोटिया गांव में नहीं, सालिंद्य गांव में। तो एक कुटिया में बोधिसत्व रहते, ब्राह्मण जी रहते हैं। तो खेत के बीच में से एक रास्ता, छोटा सा रास्ता है घूमने का रास्ता, उसी रास्ता से जाने के बाद सुंदर एक तालाब मिलता है, बहुत सुंदर तालाब, सुंदर सुंदर पानी है, उसी पानी में जाके नहा के मुंह धो के वापस आता है। इसे जाते जाते उसी पोखर में रहता है एक कोकड़ा, स्वर्ण सोने का रंग कोकड़ा, थोड़ा बड़ा है, इतना बड़ा, इससे बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा, दूसरा कोकड़ों से ज्यादा बड़ा है, सोने का रंग चमक रहा है। ये कोकड़ा रोज बोधिसत्व आते आते दोस्ती बन गया। दोस्ती बनने के बाद जब ये ब्राह्मण जी पोखर के पास आता है तब तुरंत बगल में आकर के रहता है। फिर जाने के बाद फिर पोखर के अंदर चल जाता है, जब आता है तब तुरंत बगल में आता है। ऐसे आते आते दोस्ती हो गया, दोस्ती होते होते क्या हो गया, बोधिसत्व ब्राह्मण कोकड़ा अपना हाथ में लेता है, लेने लगा, धीरे धीरे और दोस्ती बढ़ गया। तो क्या करते हैं, पोखर में आकर के कोकड़ा को अपना कमर में एक जगह पॉकेट जैसा रख के उस पर रख के लेके जाता है, ले जा करके थोड़ा सा खाना खिला के वापस
शाम में पोखर पे छोड़ देते हैं। इतना प्यार हो गया दोनों का। एक दिन इसी आने जाने का रास्ता पर, रास्ता के किनारे एक पेड़ है लंबा, उसी पेड़ पर एक कौआ है, कौआ का कावी भी है, दोनों ही काला है, एक गोरा एक काला, ऐसा बात नहीं, दोनों ही काला जात कही है, कौआ तो काला ही है ना, तो हमारा परिवार कही है। ये कौआ और कावी के साथ और एक दोस्त था नाग, वो नाग भी पोखर के आसपास में ही था, नहीं खेत में। कौवी एक दिन ने रोज रोज देख रहे ब्राह्मण बोधिसत्व को, ये बोधिसत्व का नेत्र बहुत सुंदर है, नील रंग का है, गोप खुम यानी कि छोटा बछड़ा का है ना, गाय का बच्चा वैसा बड़ा है, अंदर नीला है, यहाँ हम लोग का काला है ना, भगवान को एकदम नीला, नीला मतलब हल्का, ये नीला नहीं इससे भी डार्क है, ये प्रेम का शर्ट में ही चीज है, उससे भी डार्क नीला है, डार्क ब्लू, और ये पांगुड़ी सब ब्लू है, डार्क ब्लू, ये ब्लू है, पतला है, यहां तक लंबा है, ऐसे आ गया, तो सुंदर आके ये काउवी आसक्त हो गया ये बोधिसत्व ब्राह्मण के आंख पर। तो कौआ का समय, कौवी का समय आ गया अंडा देने का, अभी बीमार पड़ गई, कस के बीमार पड़ गया। कौओ लोगों का भाषा अलग है ना, उन लोग अपना भाषा में बात, काओ काओ, हाँ काओ काओ, काओ काओ, काओ काओ, काओ काओ, काओ काओ, वैसे बात कर रहा था, तो उसका मीनिंग आप लोग जानना चाहिए, आगे बढ़ा देंगे बात, हाँ मीनिंग बता देंगे। वो बता रहे थे क्या देवी तुमको क्या क्या हो गया सुंदरी, अपने तरफ से तो काला है लेकिन सुंदर तो है ही है ना, चोच है फिर भी तो पत्नी है, सुंदर है, क्या सुंदरी क्या हालत खराब हो गया, नहीं छोड़ दीजिए, नहीं नहीं बताइए बताइए क्या बात है, हमको बहुत प्यास आ गया, अंडा भी देने का समय है, बहुत कस के प्यास आ गई, बोलो देवी कहाँ का पानी चाहिए, क्या चाहिए, किसका खून चाहिए, तुरंत हम सब दे देंगे, खून पानी नहीं चाहिए, कौन सा फल चाहिए, कौन सा फल का जूस चाहिए, नहीं क्या चाहिए हमको, वो बोधिसत्व ब्राह्मण जी का आंख ही चाहिए खाने के लिए, दोनों आंख चाहिए, तुम्हारा माती तो मर गया नहीं क्या, तू कौन सा दुनिया का है, वो तो बहुत सीलवान गुणवान ध्यानी है, तू कौन है रे उसके सामने, ये नहीं होगा तो छोड़ दो हम मर जाएंगे। एक दिन बीत गया, दूसरी दिन फिर खाऊ आगे, देवी काले ना नहीं खाएंगे, काले ना मेरे जान, मेरे जान तुम्हारा जान मेरा नहीं है, मुझे तुम प्यार नहीं करता है, ठीक है अब तुमको क्या चाहिए, हमको वो बोधिसत्व ब्राह्मण जी का दोनों आंख चाहिए, आंख चाहिए, आंख चाहिए, खाने के लिए चाहिए, आप क्या करें, अपना नागराज के पास गया दोस्त, बताया एक समस्या है, क्या समस्या, ये स्त्री लोग तो नीच है ये है, हमेशा परेशान करने के लिए तैयार, अब क्या परेशान किया, बाल बच्चा भी नहीं हुआ, कहा होने से पहले तंग कर रही है, क्या तंग कर रहा है, बोधिसत्व का बोधिसत्व ब्राह्मण जी का सुंदर आंख चाहती है, वो आंख को खाना चाहती हो चाहती है, हम क्या करेंगे पता नहीं, चिंता नहीं करो मैं हूं ना, ध्यान से सुनो मेरे मित्र, जब वो पोखर में जाके आएगा, आते समय हम आरी के नीचे चुप कर, आरी है ना, आरी के नीचे चुप कर आते ही पैर में काट लूंगा, डस्ट करूंगा, काटने के बाद तो बेहोशों के जहरीला प्रकार से हम काटेंगे, बेहोशों के गिर जाएगा, गिरने के बाद तुम आराम से अपना चोट से दोनों आंखें निकाल दो,
निकाल के अपना देवी को जाके दे दो, खुश हो जाएगा, खुश परिवार चलाओ, बाद में हम लोग मिलके पार्टी मनाएंगे, अभी छोड़ दो। मतलब पार्टी तो उस समय मतलब बाद में खुश हो जाएंगे, तो ऐसे करके बोल दिया। अभी प्लान जारी है। कौवा ऊपर देख रहा था, ब्राह्मण जी आ रहे हैं, काव काव बोल दिया, आ रहे आ रहे हैं, ऊपर से मीनी बिछाई है ना, आ रहे आ रहे आ रहे, तैयार है ना, मतलब तैयार है, हम तैयार है यहाँ पे आ रही के नीचे। आने के बाद सीधा सामने आते ही काटने के लिए कोशिश किया, लेकिन हुआ क्या है, क्या हुआ? हाँ, काट दिया पैर पे, तो बेहोश होके गिर गया, विष चढ़ गया शरीर पे, कोकड़ा पीठ पे है, कोकड़ा भी मुश्किल से बच गया। तुरंत खाऊआ नाक तुरंत भाग गया, भाग के बिल के अंदर घुस गया। इसके बाद खाऊआ देख लिया, खाऊआ दो उड़ के आ गया, आकर के छाती पे चढ़ के चोंच निकालने के लिए कोशिश करते ही पीछे से गर्दन पकड़ लिया कोकड़ा। अब कोकड़ा का भाषा कौवा का भाषा से बोल दें या तो फिर हिंदी भाषा से, हाँ उन लोग का बात ऐसे हुआ है। बताया, हे मेरे मित्र हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, छोड़ दे तुमको, छोड़ दे तू हमारा मित्र का जान ले रहा था, नीच पापी। काव जोर से चिल्लाने लगा, नाग को बुलाया, नाग भी आ गया, आकर से कहा, हाँ खोकड़ा तू जानता नहीं मैं कौन हूं। नाग आ गया धीरे धीरे ऐसे करके आते ही नाग का भी एक तरफ पकड़ लिया, खोकड़ा एक तरफ से कौवा को गर्दन से पकड़ लिया, एक तरफ से नाग को पकड़ लिया, पकड़े के बताया धीरे धीरे दबा रहा है, दबाते कट जाएगा। फिर बताया, अरे पुण्यवान कोकड़ा जी, कारकटक जी, हम लोग को क्यों झूठो मूठो परेशान करते हो, ये तो अभी कोई जरूरत है ही नहीं है, हम लोग को छोड़ दो। इसके बाद बताया, तुम लोग जानता ये कौन हो? नहीं मैं नहीं जानता, ये मेरा मित्र है, ये मेरा गुरु के समान है, हम अपना मित्र का, ये अपना मित्र का जान मेरे जान के समान है, ये पराया का जान नहीं मेरा ही जान है, मेरा जीवन है ये, इसको तुम परेशान करने के लिए आया? इसका बता सोचा कुछ उपाय करके भाग जाएंगे। फिर बताया, कोकड़ा जी हम दोनों को छोड़ दीजिए, अगर छोड़ देंगे तो विष मेरा मुंह से निकाल दूंगा, निकाल के निकालते ही ठीक हो जाएगा, फिर हम लोग चल जाएंगे, आप भी ठीक हो जाए, सब ठीक है, कोई परेशान नहीं, ऐसे सोच से बोल दिया। लेकिन अंदर प्लान क्या है, छोड़ते भाग जाएंगे। खाऊआ सोच, छोड़ते तुमको खा जाऊंगा, बड़े क्या समझता है तू, रंग दिखाए बहुत, अब दिखा तुम्हारा रंगदारी खत्म, अंदर से पूरा प्लान ही कर रहा है, तू कुकड़े करके रहते हैं कौन, कौवा। कोकड़ा सोच रहा था ये दुष्ट है, पापी है, पापी लोग पे कभी विश्वास नहीं कर सकता है, पापी लोग के मन में हमेशा नीच विचार है, ये अच्छा विचार आते ही दूसरा विचार आकर के उसी अच्छा विचार को खत्म कर देता है, ऐसा पापी लोग का स्वभाव है, ये पापी लोग का दुर्जन लोग का स्वभाव, अगर इस इन दोनों को हम छोड़ देंगे तो पक्का भाग जाएगा, समझ गया कोकड़ा, पता ऐसा नहीं,
तुम अभी निकालो अपने मुंह से विष, ऐसे करके थोड़ा सा ढीला किया था। आप क्या किया नागराज, ढीला करते ही तुरंत अपना मुंह से विष निकाल दिया। विष निकालने के बाद होश आ गया, होश आकर के बैठ गया बोधिसत्व ब्राह्मण। बैठने के बाद ये कोकड़ा सोचा, ये पापी लोग जिंदा हो गया तो आज या कल कोई ना कोई परेशान करेगा, इससे अच्छा इन लोग जीना नहीं चाहते। ये पापी स्त्री का शब्द सुनकर कि इन लोग ऐसा काम किया तो भविष्य में क्या क्या नहीं करेगा। पापी लोग हमेशा दूसरों का दुख के लिए ही होता है, ऐसे करके दोनों का गर्दन ठक ठक करके, जैसा बीन्स तोड़ता है, जैसा भिंडी तोड़ता है, जिस प्रकार बोरा तोड़ता है, उस ठुक ठुक सुन करके तोड़ दिया दोनों का गर्दन, अलग कर दिया। इसके बाद बोधिसत्व उठ के उन दोनों का शरीर कहीं गाड़ दिया, फिर जा करके अपना पोखर पे मुंह धो के स्नान करके वापस अपना कुटिया में आया। फिर कोकड़ा को भी लेके आया। उसी दिन कोकड़ा का और ब्राह्मण का प्यार और बढ़ गया, विश्वास और बढ़ गया। फिर भगवान बुद्ध ने बताया वैसे ही वो कोकड़ा अपना जान से भी ज्यादा मित्रता का निभाया, कभी भी अपना मित्र को अपना गुरु को धोखा नहीं दिया। जान देना है तो दिल से भी जान दिया है, ऐसा प्यार किया। बताया उस समय वो कोकड़ा और कोई नहीं था, आनंद भारती जी था कोकड़ा। देखिए साथी लोग हमेशा साथ में रहता है ना, साथ में आ जाता है, आनंद भारती जी था। इसके बाद वो खाऊ इसके बाद दूर दूर भाग गई, भाग के वो परेशान फंस गई, वो भी मर गई। वो खाऊ थी चिंचा, चिंचा मानवी का खाऊआ था, कौन होगा देवदत्त, नाग था पापी मार, यानी कि पापी मार, इसका मतलब उस समय पापी मार नहीं था, पापी मार बनने वाला। आश्चर्य है ना, ऐसा होता है, पापी मार वसवर्ती मार था ये कोकड़ा। कोकड़ा कौन था, 84,000 धर्म स्कंद जो याद करके रहते उन आनंद बनते ब्राह्मण थे तथागत भगवान बुद्ध जी। ऐसे बोल के बताया स्वर्ण कर्कटक जातक, इसमें से आप लोग भी एक चीज सीखिए, कभी भी पापी लोगों का बात पे यकीन मत करिए, अच्छे लोगों का बात पे पूरा यकीन करिए। उन लोग को आप जान भी दे दीजिए चलेगा, विश्वास करिए, लेकिन पापी लोग भी जल्दी कोई विश्वास में विश्वास करते फंस जाएंगे। पापी लोग का हमेशा, पापी लोग का भी थोड़ा सुधर जा सकता है, तुरंत वो पापी ही हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर में जहर है, पाप का जहर, हमेशा गलत निर्णय ही लेते रहता है। अच्छा संगत में रहिए, जन्म जन्म में अच्छा संगति मिल जाएगा। तो आप लोगों को भी इसी प्रकार दूसरों का अपना प्रसन्न लोगों को सेवा करने का भाग्य मिल जाए।